खबर देहरादून से है, जहां बीते वर्षों में टैक्स के बकायेदार व्यापारियों पर नगर निगम एक्शन मोड में आने की तैयारी कर रहा है। वही इस बात को लेकर सहायक नगर आयुक्त विजय पीएस चौहान ने कहा कि बीते समय में हमारी एक समीक्षा बैठक हुई थी, जिसके आधार पर हम बड़े बकायेदार और विवादित मामलों की एक सूची बना रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी निरीक्षकों को इसी संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं और जैसे ही सूची तैयार हो जाएगी तो हम गत वर्षों से बकायेदारों की संपत्ति को जब्त करने की कार्यवाही करेंगे। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे अभी एक समीक्षा बैठक हुई है, उस समीक्षा बैठक के दिशा निर्देशों के क्रम में हम एक सूची बना रहे हैं जिसमें हमारे बड़े बकायेदार हैं या हमारे न्यायालय में जो भी लंबित हमारी मांगे हैं या कुछ ऐसी डिमांड जो कि विवादित है, सभी निरीक्षकों को इस संबंध में हमने निर्देश दे दिए हैं। जैसे ही हमारे पास में ये सूची उपलब्ध होती है तो गत वर्षों से जो भी बड़े बकायेदार हैं उनके विरुद्ध हम सीजिंग की, उनकी प्रॉपर्टी को सीज करने की कार्रवाई करें।